हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ाई आपा, इजी लैंग्वेज इजी स्टडी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट टू को। अगर आपने हमारे पार्ट वन को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करें और पार्ट वन जरूर देखें। तो आज हम पार्ट टू में शुरू करेंगे माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी में हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लारीय ग्रंथि के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं टीथ से। हम यहाँ पर जानेंगे दांतों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दांतों के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टीथ को कहते हैं ऑडेंटोलॉजी। ऑडेंट वर्ड अक्सर टीथ के बारे में आता है, जैसे आपने सुना होगा पेप्सोडेंट, ऑडेंट। हम आगे जानेंगे कि बच्चों में जो दांत आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, वो कितने दांत आते हैं जो दोबारा टूट करके फिर दोबारा आते हैं? वो 20 दांत होते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, जो दो बार आते हैं। एक बार तो आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा जो आते हैं वो परमानेंट होते हैं। वैसे कितने दांत होते हैं जो दूध के दांत के अलावे होते हैं, जो एक ही बार आते हैं और वो हमेशा के लिए आते हैं? वो 12 दांत होते हैं। 20 और 12 32 दांत इंसान के होते हैं। जो दो बार आते हैं जैसे मिल्क टीथ, उसको साइंस के जुबान में डाइफाइकोडोंट कहते हैं। जो एक बार आते हैं, जो एक ही बार आते हैं, जब 12 दांत होते हैं, वो मोनोफाइकोडोंट कहलाते हैं। डाई के मतलब दो होता है, मोनो के मतलब एक होता है। अब हम जानेंगे कि हमारे जो दांत, हमारे जो जबड़े होते हैं, वो एक तो ऊपर का जबड़ा होता है, एक नीचे का जबड़ा होता है। कौन सा ऐसा जबड़ा है जो मूवेबल होता है? तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, जिसको मैंडिबल जो बोलते हैं, ये मूवेबल होता है, और वो ऊपर वाला जबड़ा मूवेबल नहीं होता है। उसको, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जो कहते हैं। अब हम जानेंगे दांत के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, कि चार तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृदंतक कहते हैं, ये 8 दांत होते हैं, इसका काम होता है कटिंग करना। दूसरा है केनाइन, इसको हिंदी में रदनक कहते हैं, यह 4 दांत होते हैं, इसका काम होता है टीयरिंग करना, चीरना। दांतों में सबसे शार्पेस्ट दांत होते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं, यह 8 दांत होता है, इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना, पीसना। चौथा होता है मोलर, यानी चवर्णक, ये 12 दांत होते हैं, इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना प्लस में मिक्सिंग विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ मिलाना। तो हम यहाँ पे दांत को क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए पढ़ रहे हैं कि दांत हमारे फूड को कटिंग करके, छोटा करके, फिर उसको पीस करके वो सलाइवा के साथ मिलाता है, और सलाइवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब हमने जो दांतों के ये 4 प्रकार पढ़े हैं, जो टाइप्स पढ़े हैं, इसमें से जो मिल्क टीथ आते हैं, जो दूध के दांत, जो 20 दांत होते हैं, वो 20 दांत में, इन चारों प्रकार में से कितने कितने दांत हमारे मिल्क टीथ में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं? तो मिल्क टीथ में 8 इंसीजर आते हैं, 4 केनाइन आते हैं, प्री मोलर एक भी नहीं आता है, और 8 मोलर आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं आती है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्री मोलर जो होते हैं, यानी अग्रचवर्णक, वो नहीं आता है बच्चों में। इंसान में सबसे लास्ट में कौन सा दांत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसान में सबसे लास्ट में कौन सा दांत आता है। तो सबसे लास्ट में आता है विस्तम टूथ, अकल की दांत। ये अकल की दांत 2 सेट आता है, 2 सेट यानी 4 दांत। विजडम टूथ जो होता है, ये दांत के कौन से प्रकार है? तो ये दांत के मोलर टूथ में शामिल है। विजडम टूथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि विजडम टूथ जो होती है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी साइंस कहती है कि जो पार्ट हमारे शरीर में जिसका कोई काम नहीं होता है, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसको हिंदी में अवशेषी अंग कहते हैं, और वो धीरे 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 हमारे शरीर से गायब होते जाती है। इसी तरह और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा ईयर मसल है, पैलिका सेमिनरीज है, टॉन्सिल है, विजडम टूथ हो गया, अपेंडिक्स है, मेल का निप्पल है, बॉडी हेयर है, ये सब वेस्टिजियल पार्ट है। अगर इंटरेस्टिंग लगा ना, लाइक जरूर कर दें। आइए आखिर में एक चीज़ जानते हैं कि ये जो हमारे दांत होते हैं, ये जो वाइट वाला हिस्सा डेंटाइन पार्ट होता है, जिसको क्राउन पार्ट भी कहते हैं, ये किस चीज़ से बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, प्लस में एक वर्ड आता है इनमेल। इनमेल उसको बोलते हैं जहाँ पे
0% पानी हो। तो जब दांत में 0% पानी होता है, इसलिए कहा जाता है कि दांत जो है बॉडी का हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और आखिर में एक चीज जान ले कि हाथी के बाहर के जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं। तो हाथी के बाहर के जो दांत होते हैं वो अपर जबड़े के इंसीजर दांत होते हैं। हम आगे अगले वीडियो में जानेंगे टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने साथियों से, अपने दोस्तों के दरमियान हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें।